हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी मसाले डोसे की रेसिपी, जिसमें मैं आपको डोसे को कैसे क्रिस्पी बनाते हैं उसके ट्रिक बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ उसके मसाले को बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए मैं बताऊंगी हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए हमारा मसाला डोसा कितना क्रंची और कितना क्रिस्पी बना है, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए आज हम मिलकर बनाएंगे क्रिस्पी मसाला डोसा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है चावल, ये नॉर्मल वाले चावल हैं, इसे मैंने 1 कप लिया है। हाफ कप मैंने लिया है उड़द दाल, और हाफ कप मैंने लिया है चना दाल। मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1 कप चावल में मैंने हाफ कप उड़द दाल और हाफ कप चना दाल को इस तरह से डाल दिया है। मैं इन सबको मिक्स करूंगी, एक बड़े बर्तन में ले लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं इन सबको मिक्स करूंगी। तो देखिए मैंने इसे एक बड़े बर्तन में ले लिया है, मैं इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे अच्छे पानी से धोकर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसे पानी से मैंने धो लिया है, और मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच के करीब मेथी दाना। मेथी दाना डालना तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसी से जो हमारा डोसा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनता है, तो इसे आप बिल्कुल स्किप ना करें। अब हम इसे रात भर भिंगो के छोड़ देंगे। देखिए रात भर हमारा जो चना दाल राइस और उड़द दाल है भींगा था, अब हम इसे पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए मैंने इसे इस तरह से पीस लिया है, ये अभी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डोसा के बैटर की तरह कंसिस्टेंसी कर लेंगे, और इसके बाद इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम डोसे के मसाले के बना लेते हैं। डोसा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 चम्मच के करीब तेल, और उसे हम गर्म कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच राई, हाफ चम्मच में डालूँगी उड़द दाल, हाफ चम्मच चना दाल और थोड़ा सा जीरा। इन सबको मैं तेल में डाल दे रही हूँ। इसे डालने के बाद हम थोड़ी देर तक भून लेंगे इसे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ बारीक प्याज और बारीक हरी मिर्च। तो देखिए मैंने 1 बड़ा प्याज को बारीक काट लिया है, और मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, तो उन दोनों को मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद हमें इसे थोड़ी देर तक भूनना है। इस मसाले में हम प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे लाल नहीं करना है। जैसे ही लगे कि हमारा प्याज पक गया है, हम इसमें आगे का इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे। तो थोड़ी देर हम इसे पकने देते हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसमें, जैसे ही देखेंगे कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ है, मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ 1 टमाटर, और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 2 हरी मिर्च को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट के डाल दीजिए। तो इस तरह से डालेंगे हम, और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डाल देते हैं ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए, तो नमक भी हम डाल दे रहे हैं। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए थोड़ी देर बाद हम चेक करते हैं, हमारा टमाटर जो है वो हल्का हल्का गलने लगा है। अब हम इस टाइम पे इसमें मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता मैंने शुरू में नहीं डाला था, क्योंकि कढ़ी पत्ता अगर हम पहले डाल देते हैं तो वो जल जाता है, और उससे उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। तो कढ़ी पत्ता आप बाद में डालिए, उससे इसकी खुशबू पूरे जो मिक्सचर बनेगी आलू की उसमें बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाला मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर छोटे चम्मच से। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने हरा मिर्च डाला है इसलिए लाल मिर्च बहुत ही कम डालूंगी मैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें आमचूर पाउडर। तो अब इन सबको मैं डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। देखिए मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया है। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे।
एक मिनट जैसे ही भून लेने हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे चार बड़े आलू को बॉईल कर लिया है और उसे इस तरह से मैश कर लिया है। इसमें मैं इसे डाल देती हूँ। आलू को डालने के बाद हम अच्छी तरह से सारे मसालों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। ये जो आलू का मसाला है बिल्कुल मार्केट की तरह डोसे का जो आता है मसाला बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। इसे इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों के साथ आलू को और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा ऊपर से हम भुना हुआ पीनट डाल के अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लेंगे और हमारा आलू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे साइड कर देते हैं और हम डोसे के लिए चटनी रेडी करते हैं। डोसे के लिए चटनी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नारियल का बूरा, आप चाहें तो गोटा नारियल ले सकते हैं, और भुना हुआ बादाम और चार ग्रीन चिली। अब इन चारों को मैंने मिक्सर में डाल के इस तरह से पेस्ट रेडी कर लिया है। बहुत ही सिंपल चटनी मैं बना रही हूँ। अब मैं इसे तड़का लगाऊंगी चटनी को। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ छोटा पैन लिया है। पैन जैसे ही गर्म हो जाता है मैं उसमें एक चम्मच के करीब तेल डालूंगी, मस्टर्ड ऑयल है ये। इसे हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड। तो चलिए हम इसमें मस्टर्ड सीड डाल देते हैं एक चम्मच। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें एक गोटा लाल मिर्च और इन दोनों को थोड़ी देर तक हम पहले पका लेते हैं। उसके बाद हम गैस को बंद करने से पहले इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता को हमें जलाना नहीं है और हम इसका तड़का लगा देंगे चटनी में। इसके बाद मैं इस चटनी में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी और चटनी हमारा रेडी हो जाएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं और हम इसे साइड कर देते हैं। अब चलते हैं डोसे का बैटर देखते हैं। देखिए मैंने इसमें पानी डालकर इस कंसिस्टेंसी में रख लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही मैं डालूंगी इसमें खाने वाला सोडा एक पिंच के करीब डाल देते हैं। इसके बाद हम अच्छी तरह से इन सब दोनों को मिक्स कर लेते हैं। याद रखिएगा नमक और खाने वाला सोडा डोसा बनाने के टाइम में ही डालें, पहले ना डालें। अब हमें डोसा बनाना है तो मैंने इसे मिक्स कर लिया डाल के। और अब हम दिखाते हैं, तवा मैंने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं इस पर चेक कर लूँगी। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा एक चम्मच के करीब तेल डाल के चारों तरफ तवे पे इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी तेल को। ये देखिए तवा हमारा गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम इस पर पानी डालेंगे। तो इस तरह से हम पानी स्प्रेड करेंगे हल्का से हल्के हाथों से। पहले हम चेक कर लेते हैं और इसके बाद इसे भी हम टिश्यू पेपर या हल्के कोई साफ कपड़े से चारों तरफ से इसे पोंछ लेंगे। और अब हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। दो डोसा का बैटर है हम पहले बीच में डालेंगे, उसके बाद हल्के हाथों से इसे चारों तरफ से हमें स्प्रेड करना है। ये देखिए जितने अच्छे से हो गया, ये बहुत आसान है इसे बनाना, घर पे हम आसानी से बना सकते हैं हम इसे। अब हम इसे पकने देते हैं थोड़ी देर तक। जैसे ही ये पकने लगेगा साइड साइड से देखिए ये तल छोड़ने लगता है। अब इसके चारों तरफ मैं हल्का हल्का तेल डाल देती हूँ, रिफाइन ऑयल है ये, हल्का हल्का मैं डाल रही हूँ, देख सकते हो आप। थोड़ा थोड़ा तेल डालने के बाद हम देख लेंगे इसे एक बार कि ये नीचे से पक रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल अपने ये का जो है वो तल छोड़ने लगा है, मतलब डोसा हमारा बिल्कुल नीचे से पक गया है। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे, जो हमने आलू का मिक्सचर रेडी करके रखा था वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो चलिए अब हम इसमें मिक्सचर को डालते हैं। नीचे से तल हमारा बिल्कुल लाल हो गया है, आँच को हम मीडियम लो कर देते हैं और मिक्सचर हम आलू का ऐड करते हैं। अब जितना आलू का मिक्सचर पसंद करते हैं उतना उस हिसाब से आप इसमें भरिएगा। ये देखिए अब हम इसे डाल के इसे फोल्ड कर देते हैं। बस देखिए कितना आसान है इसे बनाना और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनता है।
तो देखिए इसे अब हम फोल्ड कर देते हैं आराम से अच्छे से। ये देखिए देखिए कितना अच्छा हुआ है हमारा मसाला डोसा। अब मैं आपको एक प्लेन बना के दिखाऊंगी। कोई बहुत बहुत सारे लोग हैं जो प्लेन डोसे के साथ अलग से मसाला लेके खाते हैं, तो मैं आपको वो भी बना के दिखाती हूँ। देखिए तवा हमारा ज़्यादा गर्म था, फिर से मैंने इस पर पानी डाल के इस तरह से इसे बैलेंस कर लिया है टेम्परेचर को। इसके बाद अब मैं बीच में फिर से स्प्रेड करने के लिए डालूंगी इस पर डोसा का बैटर और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ मैं स्प्रेड कर दूंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इस प्रोसेस को करना है, बहुत आराम से स्मूथली ये हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा हो गया ना। अब हम इसे पकने देते हैं। ये देखिए थोड़ी देर तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आँच को हम मीडियम लो रखेंगे। ये देखिए अब हल्का हल्का मैं इसके साइड साइड पे तल में मैं तेल डाल दे रही हूँ और हल्का सा मैं बीच में भी डाल दूँगी। प्लेन डोसा जो हम बनाएंगे उसमें मैं दोनों तरफ से इसे पकाऊंगी, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल ही क्रंची और क्रिस्पी बनाना है। तो अभी मैं इसे एक तरफ से देखिए कितना अच्छा पक गया। आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंट है मेरा डोसा कितना। इससे ये पता चल रहा है कि मेरा डोसा जो है वो बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी बनने वाला है। तो मैंने इसे पलट दिया है और मैं दूसरे साइड से भी थोड़ा सा इसे पका लूँगी। उसके बाद मैं फिर से इसे पलट दूँगी। ये देखिए और अब मैं इसे फोल्ड करूँगी। देखिए मैं इसे किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। रोटी बनाने वाले चिमटे से मैं इस तरह से इसे गोल गोल करके फोल्ड कर रही हूँ। कितने आसानी से फोल्ड हो गया है और बिल्कुल मार्केट की तरह देख रहे हो आप। देखिए कितना क्रंची बना है डोसा। तो आप घर पे भी क्रंची और क्रिस्पी डोसा बना सकते हैं इतनी टेस्टी चटनी और स्वादिष्ट मसाले के साथ। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना क्रंची बना है ये। इसे इस तरह से हम लेंगे हाथों में और चटनी में डिप करेंगे और खाएंगे। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।